कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्ला साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्ला साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्ला साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है, जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्ला साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा, आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? हमें तो इस तरह से कहा कि भाई ये पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं, अपने वहां से जितना सामग्री चाहिए पूरी देते हैं, अपने वहां से रास्ता देते हैं, तो उससे तो खुला लड़ाई करे तो अच्छा है, न करे तो हम दोनों उसमें पड़े हैं तो ठीक है, यूनो के पास जाओ, जाके वहां से कुछ हो न हो, लेकिन वहां हम कहां तक बैठ रहेंगे, इस तरह से हम बैठ नहीं रह सकते। तो कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता, क्योंकि जूनागढ़ कहते हैं कि आपने भी रास्ता दिया था, हमने किसको रास्ता दिया था? हमने किसी को रास्ता दिया नहीं, वो जो जूनागढ़ के लोग थे उन लोग अपने रास्ते से जाते थे वही रास्ते गए, उसने हमने किसी ने रास्ता दिया नहीं, और हमने न कोई चीज उसको दिया, कोई न साथ दिया, और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के पर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया, फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? तो ये चीज तो हो गई। हाँ, हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें, तो जैसे लोगों का लोकमत हो इस प्रकार करना चाहिए, तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो, लोकमत इस प्रकार का करे, हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहां रही? तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े, और हमारे गांव के गांव जलाए जाए, और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है, नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अब दूसरा आपको ये समझना है कि ऐसी जब नाजुक हालत में हम पड़े हैं, इस समय पर हमको क्यों तंग करते हो आप? ऐसी जब हिंदुस्तान की हालत है और दुनिया की हालत भी ऐसी है, देखो बत्ती पड़े, ऐसी जब हिंदुस्तान की नाजुक हालत है तब हमें क्या करना है? इस नाजुक हालत में हमें हमारी सरकार, हमारी हुकूमत है, उसको ठीक नहीं करेंगे और उसको साथ नहीं देंगे तो हमको नुकसान होगा। इसलिए आज जिस जगह पर प्रांतों में हमारी हुकूमत बैठी है उसको साथ देना चाहिए। तो मैं, इतने लाखों आदमी आप जमा हुए हैं कलकत्ता में, तो मैं आप लोगों को बड़ी अदब से कहना चाहता हूं कि सुनिए आवाज देखिए, ठहरो भाई, क्या कहते हैं ठहरो, कोई गड़बड़ नहीं करो। तो आप लोग हिंदुस्तान की ऐसी नाजुक हालत में, इतने लाखों आदमी कलकत्ता में जमा हो गए हैं, तो आपको एक हमारा मैसेज ले जाना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए
कि आज हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, न कोई तूफान करने का कोई मौका पैदा करना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सिक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ, हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने काफी लोगों ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में एक रात में क्या दिल बदल गया, वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं कम कमान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार है, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है, आपको सस्पिशन क्यों आता है। तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो, वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं, हम बैठे ठीक है। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक जाए, एक हो जाए, मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो, उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी, ठीक है अच्छा। तो आप लोग क्यों ऐसा कहते हो, उनको शंका पैदा होती है, ऐसी बात हम क्यों करें। मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मजबूत होता बहुत अच्छी बात है, तो हमको कोई नुकसान नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बहुत दफे ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मन लोगों ने कॉन्स्पिरसी की। मैं पाकिस्तान के लीडरों को बार बार कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो और कोई भी कॉन्स्पिरसी हो तो पाकिस्तान में पड़ी है, बाहर कोई नहीं है, वहां भीतर पड़ी है, जितने दुश्मन है वहां सब, इधर कोई नहीं है। हम उनका कोई बुरा नहीं चाहते हैं, क्यों हम बुरा चाहें, हमने राजी खुशी से तुमको दे दिया कि जाओ तुम पाकिस्तान बनाओ। लेकिन यदि हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हम हमारा हिंदुस्तान बाकी का है उसको छोड़ दो, बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो, उसमें आप दखल न दो तो हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए हमने फैसला किया, तो जितनी चीज थी उस चीज में उदारता से हमने उनको जितना इनका हिस्सा था उससे ज्यादा भी देने के लिए हमने कोशिश की। लेकिन जब हमने उनका रुपया देने का किया उस समय पर हमने कहा कि आपको यदि 500 करोड़ रुपया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए तो हम देने के लिए, आपका हक हो न हो ज्यादा हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने लिख के दिया था कि यदि ये रुपये से गोली चलानी हो कश्मीर में तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। हाँ तुम्हारे में ताकत हो ले जाओ ठीक है, लेकिन हम खुशी से रुपया तो तब देंगे कि जब ये फैसला सब हो जाए तो आपका रुपया है, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। हमने आपके साथ मिलके एक फैसला किया तो एक कंसेंट डिक्री है, ये तो कोर्ट में जाना ना पड़े, लेकिन आपस में बैठ के हमने फैसला कर दिया। तो तुम्हारी डिक्री कब बजेगी, जब ये हुक्मनामा तो तब बजेगा कि जब हमारा फैसला हो जाए, तो कश्मीर का फैसला हो जाए उस रोज पैसा ले जाओ तुम्हारा। इस तरह से हम जब कहते हैं तो हमारा पैसा नहीं देते हैं और वो कुछ अपने जो फैसला किया उसमें से पलट जाना चाहते हैं, हमें कोई पलटने की हमारी नीयत नहीं है, होती तो हम करते क्यों, जाओ कोर्ट में करो, हम
हमने इस तरह से काम नहीं किया। तो हम बार बार इन लोगों को सुनाना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ हमारी कोई बुराई नहीं, न बुराई करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन आप मेहरबानी करके हमको पड़े रहने दीजिए, हमारा काम करने दीजिए।